हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम हेयर विद द थर्ड वीडियो ऑफ आर बिगनर गिटार लेसन्स। इस वीडियो में हम अपने पिछले दोनों लेसन्स पे बिल्ड करेंगे। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल, सी मेजर स्केल, एंड फ्यू बेसिक कॉर्ड्स एंड फ्यू एडिशनल टॉपिक्स। सो लेट्स जंप इन ऑन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अ डे, सी मेजर स्केल। सो एक सी मेजर स्केल में नोट्स जो होते हैं वो हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड बैक टू सी। सो आपने नोटिस किया होगा कि हमने शुरू किया सी से और एंड किया सी पर, बट दिस इज एट अ हायर पिच। सो एक तरीके से जो ये नोट है नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड एन ऑक्टेव ऑफ। सो इस सी का हम वापस ऑक्टेव बजा के आगे आ गए यहां पे। सो इस स्केल में नोट्स हुए सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड बैक टू सी। लेट्स ट्राई टू जूम इन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सी फिंगर्स को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे एंड क्या मेरी फिंगर मूवमेंट्स हो रही है यहाँ पे इन प्लेइंग दिस स्केल। फ्रेंड्स, ये है हमारा सी मेजर स्केल। जैसे कि मैंने बताया, इसमें नोट्स होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड बैक टू सी। सो जो ये नोट हमारे जहां से हम शुरू कर रहे हैं एंड जहां पे हम ये स्केल खत्म कर रहे हैं, ये दोनों नोट सी हैं। बट जो नीचे वाला है वो एक हायर पिच पे है एज कंपेयर टू दिस नोट। सो जब हम एक स्केल खत्म करते हैं और वापस उसी नोट पे पहुंच जाते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्टेव। सो जो ये नीचे वाला नोट है, सेम नोट है बट ये ऑक्टेव हो गया इस पर्टिकुलर नोट का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे क्या फिंगर मूवमेंट्स चल रही हैं एंड हम कहां कहां पे फ्रेट पे बजाएंगे तो ये सी मेजर स्केल बजेगा। फर्स्ट नोट जो हम बजा रहे हैं यहां पे वो है सी मेजर, एंड सी यहां पे है थर्ड फ्रेट ऑफ द फिफ्थ स्ट्रिंग। इसको हमें बजाना है अपनी रिंग फिंगर से। नेक्स्ट नोट जो हमें बजाना है वो है डी। सो नेक्स्ट नोट है हमारा डी। डी हम कैसे बजाएंगे? डी हम बजाएंगे हमारी फोर्थ स्ट्रिंग, जो डी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, इसको हम पहले ओपन बजाएंगे। सो सी एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपन। ओपन बजाने का मतलब है हमने कोई भी फ्रेट इस स्ट्रिंग पे नहीं दबाया हुआ एंड हम सिर्फ इसे ओपन स्ट्रक कर रहे हैं विद अ पिक। सो C, D, नेक्स्ट नोट हमारा है E, E नोट हमें मिलेगा D स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टिल नाउ। नेक्स्ट नोट है हमारा एफ। एफ हमें मिलेगा थर्ड फ्रेट ऑफ द फोर्थ स्ट्रिंग। सो व्हाट वी हैव टिल नाउ,
नेक्स्ट नोट है हमारा जी, एंड उसे बजाने के लिए हम बजाएंगे जी स्ट्रिंग जो हमारी थर्ड स्ट्रिंग है ओपन। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टिल नाउ। नेक्स्ट नोट इसमें आता है वो है ए। ए हमें मिलेगा थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट पे, तो ये हम थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट दबाएंगे। सो व्हाट वी हैव टिल नाउ, नेक्स्ट नोट ऐड करते हैं। नेक्स्ट नोट है यहां पे बी। बी हमें मिलेगा, यू माइट हैव गेस्ड इट, नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है हमारी बी है, सो इसको हम ओपन बजाएंगे। सो व्हाट वी हैव टिल नाउ, नेक्स्ट नोट जो ऑक्टेव जहां पे हमारा स्केल खत्म हो जाएगा वो है फर्स्ट फ्रेट ऑफ द बी स्ट्रिंग। सो ये नोट है सी। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टिल नाउ। लेट्स टॉक अबाउट कि हम कौन से फिंगर्स यूज कर रहे हैं। सो सिंपल, जो भी हम थर्ड फ्रेट पे नोट बजाएंगे वो हम बजाएंगे अपनी रिंग फिंगर से, जो भी सेकंड फ्रेट पे बजाएंगे वो बजाएंगे अपनी मिडिल फिंगर से, एंड जो भी फर्स्ट फ्रेट पे जो एक ही नोट है वो हम बजाएंगे अपनी इंडेक्स फिंगर से। इनिशियली कोशिश कीजिए कि ये सारे नोट्स बिल्कुल क्लियरली बजे, एंड इसके लिए आपको जितना स्लो बजाना पड़े आप उतना स्लो बजाइए। प्लीज़ तेज बजाने की कोशिश मत कीजिएगा शुरुआत में, बिकॉज उससे फिर आपकी नोट्स में क्लैरिटी नहीं आएगी और आप अपना हाथ खराब करेंगे। सो फिर से एक बार स्लोली, जब आप नीचे वाली मूवमेंट में कंफर्टेबल हो गए हैं तो हम ट्राई करेंगे जैसे हमने फिंगर एक्सरसाइज वापस नीचे से ऊपर लेके आए थे, इस स्केल को भी हम नीचे से ऊपर की तरफ बजाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि हमेशा आपको अपना अल्टरनेट पिकिंग जो हमने बताई थी, एक बार डाउन स्ट्रोक एक बार अप स्ट्रोक, वो मेंटेन करके रखना है। सो फॉर एग्जांपल, एक बार राइट हैंड की तरफ जूम करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। फ्रेंड्स, ये था हमारा सी मेजर स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए आराम से, स्लोली, एक टेम्पो पे रहने की कोशिश कीजिए। एंड नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि मेजर स्केल बनता कैसे है, फिर आप अपने आप किसी भी की में मेजर स्केल बना सकेंगे एंड समझ सकेंगे अच्छा इस की में, इस मेजर स्केल में ये नोट्स हैं। बट मोर ऑन दैट लेटर। अभी आप प्लीज ये जो हमने जो पैटर्न सीखा है इसकी प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल स्लोली विद क्लैरिटी। सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं इस लेसन के। इसमें
वील एड सम फिंगर एक्सरसाइजेस, जैसे हमने पिछले लेसन में कुछ की थी फिफ्थ फ्रेट पे शुरू करके, तीन एक्सरसाइजेस में और ऐड करते हैं। ये एक्सरसाइजेस फोकस करेगी मेनली हमारी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर पे। इनिशियली जब आप बजाना शुरू करेंगे तो कुछ टाइम में आपकी ये फिंगर, इससे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, बट जो आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए टू डेवलप स्ट्रेंथ इन आर फिंगर्स, ये एक्सरसाइजेस मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी भी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए एंड लेट्स जूम इन। इस लेसन में हम तीन नई एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट वुड बी 2, 3, 4। जैसे पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, 4 बेस्ड ऑन आर फिंगर्स, इसमें हम करेंगे 2, 3, 4। सो ये हुई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसे स्लोली कीजिए। अब वापस किसी भी फ्रेट पे शुरू कर सकते हैं, बट बिकॉज हमने पिछले लेसन में फिफ्थ से शुरू किया था तो मैं एडवाइस करूंगी आप 6, 7, 8 पे जाइए, बट आपकी मर्जी है, आप किसी भी फ्रेट पे शुरू करिए। सो ये हुई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज विल बी 2, 3, ओनली 2, 3। सिमिलरली थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज ये होगी 2, 4, तो इसमें अपनी सेकेंड एंड फोर्थ फिंगर का यूज करेंगे। सो इट शुड साउंड लाइक दिस।